लाइट वेट है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पहन रखा है। और दूसरी अच्छी बात इस हेलमेट की कि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ऐसी सी कुछ ये पैकिंग के अंदर आता है, ये कवर होता है बेसिकली। आपको अगर इसको स्टोर करके रखना है तो ये कवर चढ़ा के रखो, गंदा नहीं होगा। अब बारी आती है हेलमेट दिखाने की, तो टन टन, ये देखो, ये है न्यू मॉडल एक्सोर का वेनमस के प्रिंट के साथ। जो पेंट जॉब है वो बहुत अच्छी है, और मैंने इसके अंदर लगवाया है ये वाला वाइजर जो कि इसकी जो लुक है उसको और ज्यादा इनहेंस कर देगा। ये आप अगर देख पा रहे हैं इसको यहां से, इसमें ये जो है एक वाइजर लगा रखा है यहाँ पे, मतलब स्पॉइलर टाइप बोल सकते हो। इसके अंदर दो आते हैं, एक छोटा आता है और एक बड़ा आता है। वो इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज होती है ये होता है ब्लड ग्रुप। किसी भी राइडर को सबसे पहले अपने हेलमेट में, अपनी बाइक पे ये चीजें लगानी चाहिए, ब्लड ग्रुप उसको हमेशा लगाना चाहिए। तो ऊपर वाला ना करे कि कभी कुछ हो जाए तो आपके पास में कम से कम दिखाने के लिए, मतलब लोगों को पता तो चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। वाइजर जो है इसका मुझे काफी अच्छा लगा। ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, यूवी रेजिस्टेंट है, और देखो इसका जो लुक है, वाओ, दिल खुश हो गया है। अब आएगा मजा इसमें। दूसरी अच्छी चीज मैं बता देता हूं, ये तो वैसे टिंटेड है ग्लास और यूवी रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है, और भी इसके कुछ फीचर्स हैं जो स्क्रैच नहीं लगेगा, स्क्रैच रेजिस्टेंट है। इसके अंदर यहाँ पे ये भी चीज है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ इसको आप अगर प्रेस करोगे तो अंदर से भी ये एक वाइजर खुल जाएगा। इसमें डुअल वाइजर, इस डुअल वाइजर के ऊपर भी एक पॉलिथीन लगी हुई है, वो भी मैं उतार दूंगा। तो ये देखिए डुअल वाइजर कितना स्मूथली काम कर रहा है। इसमें उनके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया कि थर्ड लेयर तक इसके अंदर पैडिंग है, बहुत ही अच्छी सॉलिड किस्म की इसके अंदर पैडिंग है। और इसमें वायरलेस लगाने के लिए, माइक सिस्टम लगाने के लिए पूरा यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये पैडिंग ऐसे करके यहाँ से हट जाती है, और ये आप जगह देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सारा माइक सिस्टम वगैरह लग जाता है इजीली। और इस हेलमेट की सबसे अच्छी बात बताऊं, ये बहुत लाइट वेट है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पहन रखा है। और दूसरी अच्छी बात इस हेलमेट की कि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो मैंने मतलब मेरे को भी ज्यादा महंगा हेलमेट नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था जो कि सब लोग, हमारे आपके जैसे सभी लोग ऐसे हेलमेट्स यूज कर सकें और उनकी पॉकेट पे भी ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इसलिए मैंने चूज किया ये वाला हेलमेट। अब मैं इसको पहन के दिखाता हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगा रेट कितने। तो ये देखो, तो जी ये कुछ इस टाइप का लग रहा है हेलमेट पहनने के बाद। अगर मैं इसका वाइजर नीचे करूं तो कुछ इस टाइप का ये दिख रहा है। अभी मेरी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि वाइजर है, तो मैं दिखाता हूं आपको कि कैसा लग मैं लग रहा हूं। पहनने के बाद ही इतना खूबसूरत लग रहा है, जिससे फिटिंग है बिल्कुल ऐसे स्नग फिट, अपने फेस के साथ में बिल्कुल फिट हो जाती है। और जो ब्रांड है वो एक्सोर ब्रांड है। कितने का मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका बिल, ये मुझे बिजनेस डिस्काउंट पे मिला है 3750 का, जबकि आपको इतने का नहीं मिलेगा, बट आप ले सकते हैं अगर आपकी किसी अच्छे हेलमेट वाले से जान पहचान हो तो बिजनेस डिस्काउंट पे आपको ये मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर कैमरा कैसे लगेगा। कैमरा लगाने के लिए इसमें मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ एल्फी वगैरह या फिर एमसील वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो वेंट्स है वो यहाँ पे भी खुलते हैं। देखिए, तो जब आपको, आप स्पीड में चल रहे होगे तो एयर यहाँ से अंदर आएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो एक एयर वेंटिलेशन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो बस यही है। अब मैं इसके अंदर कैमरा माउंट करता हूँ, माइक माउंट करता हूँ, फिर एक निकलते हैं राइड पे, और राइड पे मैं आपको इसका ओवरऑल रिव्यू देता हूँ कि इसमें विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है, वो आप लोगों को भी पता चली जाएगा। तो चलो कैमरा माउंट करते हैं, माइक माउंट करते हैं, फिर मैं निकलता हूँ छोटी सी राइड पे। देखो रोड वहाँ चल रही है, मेरे को लग रहा है कि जो चीज़ मुझे अचीव करनी थी ना वो कर ली है। कैसे, मेरे को ना विंड ब्लास्ट नहीं चाहिए था हेलमेट में। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके हेलमेट्स में विंड ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन उनके जो हेलमेट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 50,000 का, 60,000 का, 1,00,000 का। तो हम, मुझे कुछ ऐसी वो चाहिए थी ऑप्शन जो कि हर किसी के बस में हो, किसी बंदे की पॉकेट ना ज़्यादा ख़राब हो ना ही उसको ज़्यादा परेशानी हो। तो अब करते हैं दोस्तों इसका टेस्ट। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, वाइजर करूँगा बंद, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। पहले जो मैं स्टील वर्ड का हेलमेट पहन रहा था उसमें तो बहुत ज़्यादा नॉइस थी,
तो अब देखते हैं ये होगी बाइक स्टार्ट। देखो बाइक की भी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि माइक मैंने अंदर की तरफ लगा रखा है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ देखो वाइज़र बंद, तो यहाँ पे हो जाता है जी वाइज़र बिल्कुल बंद। अब मुझे पता नहीं है कैसा साउंड आ रहा होगा, वो तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा या मेरे को एडिटिंग के वक्त पता चल जाएगा। ये देखो नो विंड ब्लास्ट, अभी देखते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। इतने कम पैसे के हेलमेट में ऐसी वाली मेरे को कंफर्ट मिल गया ना, ना तो मेरा इसमें सर दब रहा है ना ही कुछ परेशानी हो रही है, कंफर्टेबल भी है, लाइट वेट भी है, हैवी भी नहीं है। अब देखते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है, क्या ये व्लॉगिंग वाला हेलमेट बन सकता है वो भी कम पैसों में, जबकि इसके अंदर जो मैंने मॉडल लिया है, जो मैंने आपको पैसे बताए हैं इसके कि इतना सस्ता क्यों लिया है, वो बिजनेस डिस्काउंट पे लिया है वो, तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल रिटेल रेट पे ही मिलेगा। मैंने बिजनेस उस पे लिया है डिस्काउंट पे, तो जब आप जब आप रिटेल रेट पे लेंगे तो आपको 4500 अराउंड मिलेगा ये, जिसके अंदर की आपको ब्लू कलर का ग्लास लेना हो तो ब्लू भी ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, और उसके अंदर एंटी फॉग वाला सिस्टम भी ले सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एंटी फॉग, तो वही मैंने ले रखी है, कोई भी फॉग इकट्ठा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए मैं कुछ इस टाइप का लग रहा हूँ, कितना सेक्सी वाला फील आ रहा है और कितना अच्छा वाला फील आ रहा है, जैसे हाँ भाई कुछ चीज़ है। और एक और चीज़ ये देखो शाओ शाओ डुअल वाइज़र, ये वैसे मेरे हर एक हेलमेट में होता है बट इसमें भी है, तो एक एडवांटेज है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है डुअल की, ये तो वैसे ही इतना ज़्यादा डार्क है तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ इस टाइप का दिख रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा टाइट है अभी बट ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अभी जैसे जैसे आदत पड़ेगी इसको पहनने की, हो सकता है कि मेरा मुंह पतला हो जाए या फिर हो सकता है कि ये हेलमेट खुल जाए। तो ये है इसका फाइनल लुक दोस्तों, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। कैसा लगा हेलमेट बताना ज़रूर। और ये जो हेलमेट है ये इतना सस्ता और इतना बढ़िया हेलमेट है कि क्या ही बताऊँ, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ गया। ये देखो हेलमेट मैंने कुछ इस टाइप से माउंट किया हुआ है, तो अभी इसमें परमानेंट माउंट नहीं किया हुआ, परमानेंट माउंट कर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये अब मेरा होने वाला है प्राइमरी हेलमेट। तो दोस्तों ये था एक हेलमेट का वीडियो, एक ओवरव्यू कि आप सस्ते हेलमेट्स भी ले सकते हैं और सस्ते भी इतने अच्छे हेलमेट ले सकते हैं 5000 के अंदर। मेरे को काफ़ी मज़ा आया, इसके जो ग्राफिक्स हैं उसको तो देख के मज़ा ही आ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे दो यहाँ पे दांत निकले हैं। और काफ़ी इम्प्रेसिव ये इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है ना। तो चलो इसी के साथ करते हैं ये वाला वीडियो खत्म, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स के अंदर बताया करो। चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।